लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लक्ष्मी निवास निरवज्यमुनैकसिन्धो संसारसागर समुत्तरणैकसेतु वेदान्तवेद्यनिजवैभवभक्तभोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। कमल की तरह लेटी हो और मुंह से फूलों की बारिश हो रही है। बकवास बंद करो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ जानता हूँ, एक अमीर और मगरूर लड़की है जो समझती है कि उसने अपने बाप की दौलत से इस शहर की सारी सड़कें खरीद ली हैं। मेरे डैडी का नाम लेते हो, जानते हो मेरे डैडी कौन है? बेटी को देख कर तो लगता है कि बाप भी बड़ा बदतमीज आदमी होगा। देख अभी मैं बाद में दिखाना, पहले ये देखो कि मैं क्या दिखाता हूँ। तुम क्या करोगे? मेरे बारे में पता चलेगा तो यही खड़े खड़े मोम की तरह पिघल जाओगे। अगर तुम मेरे बारे में जानोगी ना तो बाप की तरह हवा में उड़ जाओगी। मेरा नाम राजा है और मैं इस इलाके का दादा हूँ। मेरी इजाजत के बिना यहाँ किसी की शादी का बाजा नहीं बन सकता, न किसी का जनाजा उठ सकता। और तुम इस डेटफोर्ड के स्कूटर पर बैठ कर यहाँ की मुर्गियों और इंसानों को कुचलती जा रही हो। याद रखना, आइंद अगर यहाँ की एक चीटी को भी कुचला तो इसी सड़क पर लटा कर हाथ पांव में कील ठुकवा कर सुबह से शाम तक मोटर गाड़ियों से कुचलवाता रहूंगा। इसे इंग्लिश में वार्निंग, हिंदी में चेतावनी और उर्दू में ताकीद कहते हैं, समझी? अब फूट यहां से। नहीं तो ए ऑफिसर कहां है? कौन चाहिए आपको? आईजी, कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, इसमें से कोई है? मेम साहब वो तो यहाँ नहीं रहते, सिर्फ आप सर्कल इंस्पेक्टर से मिल सकती हैं। कहाँ है सर्कल इंस्पेक्टर? ड्यूटी पर पहुंचे हैं या नहीं? गुड मॉर्निंग सर। टर्न दिस साइड, सेम हाइट, सेम फेस, सेम पर्सनालिटी। क्या हुआ? सेम वॉइस। अरे बात क्या है? तुम्हारा कोई भाई भी है, छोटा बड़ा या जुड़वा? क्यों? मुझे मालूम है तुम नहीं बताओगे। अगर तुम्हारे किसी रिश्तेदार या भाई से गलती हो जाए तो तुम उस गलती को छुपाने की कोशिश करोगे। आहा, देवी जी एक मिनट एक मिनट, आप किसके बारे में पूछ रही हैं? किसके? तुम्हारे उस लुच्चे भाई के बारे में,
उसने अपनी मोटरसाइकिल से मेरे स्कूटर को टक्कर मारकर मुझे किचन में गिरा दिया। देखो क्या हालत बनाती है। जरा घूमिए तो, जरा घूमिए घूमिए। क्या हो गया? बड़ी बदबू आ रही है। अच्छी खासी लड़की को कचरे की गाड़ी बना दिया। सारा सेंट बर्बाद कर दिया। आज ही इंपोर्टेड सेंट आया था, आधी बोतल लगाकर घर से निकली थी। आपकी यह हालत हो गई, आई एम वेरी सॉरी। और क्या? लेकिन लेकिन वो नहीं सुधरा, उसकी बदमाशियां अब तक जारी हैं। मतलब तुमको मालूम है कि वो बदमाशियां करता है? हाँ हाँ, अब क्या करता मैं, आखिर भाई है ना, भाई को भी संभालना पड़ता है और ड्यूटी भी निभानी पड़ती है। खैर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे पूछूंगा। उससे पूछोगे तो वो सच थोड़े ही बताएगा। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन आप सच बोल रही है या नहीं इसकी क्या गारंटी है? आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं? नहीं, 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 नहीं। वैसे मैं एक बात कर रहा था। अभी अभी फोन पर मुझे कंप्लेन मिली है कि एक लड़की ब्लैक पैंट येलो शर्ट पहने हुए हवाई जहाज की रफ्तार से स्कूटर को उड़ाई जा रही थी। एक सड़क पर उसने मुर्गियों को दबा दिया, दूसरी पर कुत्ते की पसलियां तोड़ दी, और तीसरी पर हाथ गाड़ी वाले गरीब का सामान गिरा दिया, और जाते जाते एक बुढ़िया को लुटका कर चली गई। सबसे पहले मैं जाकर उसकी इंक्वायरी करूंगा। हाँ येलो शर्ट और ब्लैक पैंट पहनने वाली क्या मैं अकेली लड़की हूँ? देखो हम इतने कीमती स्कूटर खरीदते हैं किस लिए? ताकि रास्ता साफ मिले और हम जहाँ जाना चाहें आसानी से जा सके। मगर नहीं, जब देखो सड़क पर मुर्गियाँ घूम रही हैं, कुत्ते आराम कर रहे हैं, बुढ़िया 5 मिनट में एक एक कदम उठाकर रास्ता पार कर रही है, ये भी कोई इंसानियत है? मैं तो कहती हूँ, सॉरी मैं कहती हूँ, आपको सबसे पहले इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जरूर जरूर, मैं कल से शहर की सड़कों पर से कुत्ते बिल्लियाँ मुर्गियाँ और बुढ़ियों को गिरफ्तार करके जेल में भरना शुरू कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप और पुलिस वालों जैसे नहीं हैं। अच्छा आपसे मिलने के बाद पुलिस वालों के लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ गई है। और आपसे मिलने के बाद लड़कियों के बारे में मेरे जो विचार थे वो अब मुझे बदलने पड़ेंगे। मैं चलूं? जी हाँ। माँ ये क्या, यहाँ क्यों सो रही हो? नहीं तो, ऐसे ही आंख लग गई थी बेटा। ऐसे ही आंख लग गई थी क्या? आधी रात हो गई है, तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत क्या कर, खाना खाकर सो जाया कर। मेरी तो नौकरी ही ऐसी है, ना वक्त पर आ सकता हूँ ना खाना खा सकता हूँ, लेकिन तू मानती नहीं है। बेटे जब तू बाप बनेगा ना तब तुझे पता चलेगा कि औलाद जब तक घर नहीं आती दिल को चैन नहीं आता। चल तू जाकर कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए अभी खाना गर्म करती हूँ। मैं अभी आया माँ। साली थाने में जाकर मेरे भाई से शिकायत की, आज यहाँ तू किससे रिपोर्ट करेगी? यहाँ तू बिल्कुल अकेली है, कौन बचाने आएगा तेरे को? कल तुझे कीचड़ में पूरा फेंका था, आज तेरे टुकड़े कर करके फेंकूंगा। बोल फेंकू? हाँ, नहीं। कल अपने बाप की बहुत बड़ाई मार रही थी, आज क्यों नहीं मारती? चल जा वापस पुलिस स्टेशन, जो कंप्लेन लिखवाई उसे कैंसिल कर दे, वरना तेरा कीमा बनाकर समोसे में भर दूंगा। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुझे खलास कर दूंगा। इसे इंग्लिश में वार्निंग, हिंदी में चेतावनी और उर्दू में ताकीद कहते हैं, समझी? चल फुट जाते। अरे फुट। हेलो हेलो, मिस्टर सूरज है? आप कौन? जी मैं विजय बोल रही हूँ। वो नाश्ता कर रहा है, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। नमस्ते जी। जो कुछ कहना है मुझे बता दो, मैं उसे कह दूंगी। जी कह दीजिएगा, वो मुझे फिर मिला था, फिर उसने गालियाँ दी, फिर डराने धमकाने लगा। कौन, किसने?
आपके छोटे लड़के ने। छोटा लड़का? कौन सा छोटा लड़का? आपका छोटा लड़का। मेरा छोटा लड़का? क्या कह रही हो तुम? जी एक काम कीजिए, आप अपने बड़े लड़के को फोन दीजिए, छोटे लड़के की बात उनसे करूंगी। बड़ा लड़का, छोटा लड़का, अरे कौन सा छोटा लड़का? माँ एक मिनट, हमारा छोटा लड़का, मेरा मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का छोटा लड़का। हेलो हेलो, मैं विजया बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? सूरज, सूरज। हेलो सूरज, पहले तुम्हारी माँ ही बोल रही थी ना? हाँ। फिर ऐसी क्यों बात कर रही थी? जैसे उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। समझ में आएगा भी नहीं, कंप्लेंट पुलिस वालों से की जाती है, उनकी माँ से नहीं। अच्छा बोलो। तुम्हारा भाई मुझे फिर मिला और बहुत सताया उसने। तुम फिक्र करो, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। जी जी, मेरा मतलब है तुम फिक्र मत करो, मैं उसे सजा दूंगा। अच्छा फोन बंद करो। क्या रखूं? फोन बंद करो फोन। आई एम सॉरी। सूरज ये लड़की क्या कह रही थी, मेरा छोटा लड़का मतलब? घबराहट में उसके मुंह से गलत नाम निकल गया माँ, वो छोटू लड़ाके के बारे में कह रही थी। इस इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है, राह चलती लड़की को छेड़ता है, उनका पीछा करता है। लेकिन वो तुझे मेरा बड़ा लड़का क्यों बोल रही थी? मुझे नहीं माँ, छोटू लड़ाका के बड़े भाई बड़े लड़ाके के बारे में कह रही थी। छोटू लड़ाका दिन भर लड़कियों का पीछा करता है और बड़ा लड़ाका छोटू लड़ाके का पीछा करता है। छोटू लड़ाका बड़े लड़ाके के हाथ नहीं आता और बड़ा लड़ाका छोटू लड़ाके का पीछा नहीं छोड़ता। ये लड़ाका खानदान भगवान न जाने कहां से आ गया, पुलिस वालों के नाक में दम कर दिया इसने। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहा है तू? मेरी समझ में आएगा भी नहीं माँ, ये पुलिस वालों के चक्कर है, इस चक्कर में मत पड़ वरना तू भी चक्कर में पड़ जाएगी। जाकर अपना काम कर जा। खूबसूरत है श्रीदेवी, देखे वो तुझे तो आई ना तोड़ दे, फिल्मों में ना छोड़ दे, देखे वो तुझे तो आई ना तोड़ दे, फिल्मों में काम करना छोड़ दे, उसकी जगह तू हो, तेरी आरजू हो, तेरी जुस्तजू हो, तेरी गुफ्तगू हो, कि तू अजंता की कोई मूरत है, वो तू उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, वो श्रीदेवी श्रीदेवी तू नहीं, पर उससे मिलती जुलती तेरी सूरत है, भाई तू उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। सब सहेलियां जमा हो गई, कहां है मेरे यार, छोड़ो इंतजार, पहना दो मुझको अपने बाहों के हार, आज अपने प्यार का मुहूर्त है, आज अपने प्यार का मुहूर्त है, ओ श्रीदेवी 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 श्री
की देवी तू नहीं, पर उससे मिलती जुलती तेरी सूरत है, तू उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ज्यादा खूबसूरत है ओ श्रीदेवी, श्रीदेवी 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 तू नहीं, पर उससे मिलती जुलती तेरी सूरत है, ओ तू उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। कौन कहता तू अकेली छोकरी है, कल 25 छोकरी की फौज लेकर आई थी और आज दो गुंडे लेकर आई है, एक दारा सिंह और एक किंग कॉन्ग। और कहती कि जी मैं अपने पिताजी से कहकर तेरी छुट्टी करवा दूंगी। हां जानते हो मेरे पिताजी कौन है? कौन है? श्री धर्म अधिकारी। सलाम साहब। सलाम साहब। सलाम साहब। नमस्ते जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। किशन लाल ये क्या है, सारा दूध यहीं पड़ा होटलों में गया क्यों नहीं? आपके सेक्रेटरी बुद्धिराम जी जाने दे तब जाए ना। क्यों, उन्हें क्या तकलीफ है? कहते हैं पूरे गिन लूंगा तब जाने दूंगा, 2 लाख डिब्बे हैं। कहां गया ये बुद्धिराम? ए बुद्धिराम, अरे रे ये क्या बदतमीजी है, चिल्ला चिल्ला के मेरी गिनती भुला दी। कौन बदतमीजी आप, गेट आउट फ्रॉम हियर। अबे उल्लू के पट्ठे, शराबी बाप की बेवकूफ औलाद, गोबर के पुतले, 5 साल से तुझे समझाते समझाते मेरे दिमाग में कीड़े पड़ गए कि मैं तेरा बॉस और तू मेरा सेक्रेटरी है। बॉस, माफ कीजिएगा, माफ करना, मैं जरा भूल गया था। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तू ये दूध जाने क्यों नहीं दे रहा? किसका दूध? अबे उल्लू के पट्टे, ये दूध। ओ ये दूध, वो जरा मैं भूल गया था। तो जाने क्यों नहीं दे रहा तू? अजी मैं गिन तो लू, कुछ गलती हो गई तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। गिन लिया? जैसे ही गिनना शुरू करता हूँ कोई ना कोई बीच में आ जाता है, जैसे कि आप आ गए। एक काम कीजिए, आप मुझे 10-15 दिन अकेला छोड़ दीजिए, मैं सब गिन लूंगा। 10-15 दिन तेरा बाप इंतजार करेगा, चल चल। किशनलाल। यस सर। वो जो गरीब बच्चों में बांटने के लिए सरकारी दूध के डब्बे आने वाले थे वो आ गए? आ गए सर, उनको अलग करके रख दिया है और उन डिब्बों पर यूनिसेफ का लेबल लगाकर उनमें नकली दूध भर दिया है, और जिन जिन स्कूलों में आपने भेजने के लिए कहा था वो दूध वहां जाने के लिए तैयार है सर। तो काम करो, ये नकली दूध स्कूलों में भेज दो और ये असली दूध होटलों में भेज दो। ओके सर। और जिन होटलों में भेजना है ये उनकी लिस्ट है। यस सर। चलो। सत्य और देशभक्ति यही मेरा नारा है, और मैं भाग्यशाली हूं कि आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर इस राष्ट्रीय झंडे को लहराने का मौका मुझे मिला। आज तुम बच्चे हो, कल बड़े होकर इस देश के भविष्य को उन्नति की ओर ले जाना है, और इसके लिए हमें सबसे पहले इस देश के गरीबों को हटाना होगा। मेरा मतलब है कि इस देश से गरीबी को हटाना होगा, और इस शुभ काम की शुरुआत मैं कर चुका हूं। आज से तमाम गरीब बच्चों को मेरी तरफ से मुफ्त दूध दिया जाएगा। इंस्पेक्टर सूरज कपूरिया। मैं विवेकानंद प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ 3 बच्चे दूध पीकर मर गए, आप जल्दी आइए सर। आइए सर, आइए।
ये सब कैसे हुआ? हमारे स्कूल को हर महीने दूध का पाउडर मिलता है जो गरीब बच्चों को मुफ्त में दिया जाता है। हमेशा की तरह आज ही बच्चों को दूध दिया गया। दूध पीते ही तीन बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगा। इससे पहले डॉक्टर साहब आए ये तीनों खत्म हो गए। डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है दूध में खराबी है। पोस्टमार्टम होने के बाद सब कुछ पता चलेगा। वो दूध के डिब्बे कहाँ हैं? हेलो, धर्माधिकारी जी है? हाँ धर्माधिकारी बोल रहा हूँ। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है साहब। गड़बड़ होगी तो तुम्हारा हार्ट फेल कर दिया जाएगा। क्या है? यहाँ स्कूल के तीन बच्चे दूध पीते ही मर गए। इंस्पेक्टर सूरज कपूर दूध के सभी डब्बे जांच के लिए ले गए साहब। जिस हरामजादे को देखो मनुष्य खबर सुनाता है। सुन रहे? जी साहब। अगर वो इंस्पेक्टर दूध के डब्बे लेने आए तो साहब अपने कुछ आदमी भेजकर उसके हार्ट फेल का इंतजाम करवा देना। चलो ये दूध के डब्बे। सत्यदेव गजब हो गया। आज तक तो नहीं हुआ, अब कैसे हो गया? अरे मगर आज हो गया। वो नकली दूध जो भेजा था ना बच्चों को पिलाने के लिए, वो बच्चे पी के मर गए और दूध भी पकड़ा गया। क्या? हाँ, एक नया इंस्पेक्टर आया, उसने दूध पकड़ लिया। फिकर मत करो, मेरी बात सुनो धर्माधिकारी। ऐसे कांटे हमने बहुत उखाड़े हैं, इसको भी हम ऐसे उखाड़ देंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो खुद ब खुद उखड़ गया या हमने उखाड़ दिया। शाबाश। और सुनो, मेरे बच्चे मेरे चरण छूने के लिए बहुत बेचैन हैं। मैं इजाजत लेता हूँ। हरिओम। स्वामी सत्यदेव जी आ गए हैं, अब मंगल सूत्र पहनाओ। अरे भगवान तुम्हारा भला कर। क्या बात है माँ? बेटा तू इस धरती पर भगवान का अवतार बनकर आया है। मैं गरीब विधवा अपनी बेटी के लगन के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पास तो मेहंदी खरीदने तक को पैसे नहीं थे। जेवर और दहेज तो दूर की बात है,
मेरी बेटी का लगन करवा के तूने मेरी जिंदगी का मकसद हल कर दिया है। अरे बहन जी, स्वामी सत्यदेव जी इस देश के लिए कितने महान कार्य कर रहे हैं। अपने गरीब देश की बच्चियों की शादी के लिए पूरा खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हें हनीमून पर भेजने का पूरा खर्चा। साहब कुछ तो भाव बढ़ा दीजिए, हमेशा ये रेट चलेगा क्या? अरे भैया घबराते काहे को, इस महीने तो और दो तीन शादियां होने वाली अच्छा, है ना। बहुत अच्छा। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर सूरज स्पीकिंग। हेलो, मैं विजया बोल रही हूँ। हाँ हाँ कहिए। आपने अपने भाई के बारे में कुछ किया या नहीं? भाई? हाँ हाँ भाई, आज ही घर आया है। मैं इस मामले में जरूर सवाल करूंगा, उससे छोड़ूंगा नहीं। वैसे मौका भी अच्छा है, माँ घर पर है नहीं, बेंगलोर गई हुई है। बाय एनी चांस आप मेरे घर की तरफ से गुजरने वाली है क्या? तुम चाहते हो कि मैं आऊं? नहीं नहीं, यो ही कह रहा था। अगर तुम चाहते हो तो मैं आ सकती हूँ। नहीं, अगर आप उस तरफ से गुजरने वाली हो तो मोस्ट वेलकम, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। बाय बाय। भाई गुंडा, तूने उस लड़की को क्या समझ रखा है जो आते जाते उसे छेड़ता है, उसे सताता है? नहीं भैया, मैं उसे सताता नहीं, मैं उसे छू कर जल जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लड़की नहीं इश्क की आग है, मोहब्बत का शोला, प्रेम की चिंगारी, इसीलिए तो मैं उसे अपनी आगोश में लेना चाहता हूँ। चुप बदतमीज। अरे दो जूते खाएगा तो खोपड़ी ठिकाने पर आ जाएगी। अरे शुक्र मना भगवान का कि उसने उस लड़की को बड़ा दिल दिया, अगर कोई और होती तो तुझे कभी नहीं बख्शती, कमिश्नर से कंप्लेन करवा कर तुझे लॉकअप में उल्टा लटकवा देती। अरे दिल देख उसका दिल। भैया उसी के दिल ने तो मुझे घायल किया है, एक तरफ उसका दिल सागर की तरफ विशाल है तो दूसरी तरफ फूल की पंखड़ी की तरह नाजुक, एक तरफ आकाश से ऊंचा है तो दूसरी तरफ पाताल से नीचा। शेप, तू क्या जाने दिल के बारे में, तू क्या समझे कि दिल किस चिड़िया का नाम है? मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तूने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। अरे भैया जेल क्या, आप मुझे उबलते हुए तेल में डलवा दो, फांसी चढ़वा दो, तलवार चलाकर एक ही वार में धड़ से अलग कर दो मेरे शरीर को, मगर फिर भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसका पीछा करता रहूंगा, मर गया तो मेरी आत्मा उसका पीछा करेगी, क्योंकि मैं उस पर मरता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करा। अबे शादी के बच्चे, चंदर चंदर चल। अरे हाथ छोड़, क्या कर रहा बदतमीज, काट लिया। खैर तुझे मैं दो दिन अंदर बंद करके रखूंगा तो तेरे होश ठिकाने में आ जाएंगे। तुम कब आई? बस अभी अभी। इतनी देर से मैं जो कुछ बोल रहा था तुम सुन रही थी? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा अच्छा, कैसे आना हुआ? तुमने कहा था अगर मैं आना चाहूँ तो आ सकती हूँ, तो मैं आ गई। अच्छा अच्छा, बैठो 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 ना। हाँ, बैठो। कुछ ठंडा या गरम? नो थैंक्स, लेकिन तुम काफी गुस्से में लग रहे हो। गुस्सा? ऐसी बातों पर मेरा खून खोलने लगता है। मेरी वजह से आप दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया ना? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से क्यों? तुम्हारी वजह से क्यों? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन वो तुम्हारा भाई। क्या हुआ मेरे भाई को? नहीं, बातचीत से तो वो अच्छा आदमी लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। उस दिन उसने तुम्हें किचन में गिरा दिया, देखो अब तक बदबू नहीं गई, और तुम कहती हो अच्छा लगता। लेकिन वो क्या भूल गई, उसने तुम्हें जान से मार देने की धमकी दी थी। चलो लेकिन मुझे एक बार मिल तो ले। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गर्म है, गुस्से में दांत चबा रहा है,
अंदर जाओगी तो दांत से नाक चबा कर खा जाएगा। चलो। लेकिन प्लीज एक बार मुझे मिल तो लेने दो। अरे भैया जेल किया, आप मुझे उबलते हुए तेल में डलवा दो, फांसी चढ़वा दो, तलवार चलाकर एक ही वार में धड़ से अलग कर दो मेरे शरीर को, मगर फिर भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसका पीछा करता रहूंगा, मर गया तो मेरी आत्मा उसका पीछा करेगी, क्योंकि मैं उस पर मरता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। अरे कोई है? क्या बात है, आप किससे मिलना चाहती हैं? नमस्ते माजी। माजी? मैं माजी नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। ओ अच्छा, माजी कहाँ है? वो तो मंदिर गई है। मैं उनके लिए आम लाई हूँ, अपने बाग के, इतने मीठे हैं कि हफ्ता भर मुँह से मिठास नहीं जाता। माजी आएंगी तो मैं कह दूंगी। अच्छा वो घर में है? वो कौन? उनका बेटा। वो तो पुलिस स्टेशन गए। वो नहीं, फिर वो तो उनका बड़ा बेटा है, उनका छोटा बेटा। छोटा बेटा? हाँ। मेम साहब आप इसको किसका घर समझ के आई हैं? क्यों, ये इंस्पेक्टर सूरज का ही घर है ना? जी हाँ। तो उनका छोटा भाई घर में ही होगा? ना उनका कोई छोटा भाई है ना उनका कोई बड़ा भाई, वो तो अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं। क्या, इकलौते? जी। इकलौता? ये इंस्पेक्टर सूरज का ही घर है ना? जी हाँ। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। एक ही बेटा। हेलो, इंस्पेक्टर सूरज कपूरिया। आप थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने की जहमत करेंगे? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जरूर, क्यों नहीं। हाय। क्या बात है भाई, तुम्हारे चेहरे की ज्योग्राफी से काफी गंभीरता टपक रही है। मैं एक बात पूछती हूँ, सच सच बताना। मैं सच नहीं बोलता बल्कि सच मुझे बोलता है, क्योंकि मैं पहले पैदा हुआ था और सच बाद में, इसलिए मेरे झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी कोई लड़की है जो तुम्हें चाहती हो, तुम्हारा हाथ थामने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमती हो? अरे बहुत है, बहुत है, हिसाब लगाना मुश्किल है। ऐसी भी है जो तुमसे शादी करना चाहती हो? अरे बाप रे बाप, लाखों करोड़ों, मेरे सर पर इतने बाल नहीं होंगे जितनी लड़कियां खाल बनकर मुझसे चिपकना चाहती हैं। और तुम्हारा छोटा भाई? छोटा भाई क्या? ऐसी कोई लड़की है जो उसका हाथ थामना चाहती हो, उससे शादी करना चाहती हो? अरे वो लुच्चा लफंगा नालायक बदमाश, उससे शादी करके कौन सी लड़की बर्बादी का मंगलसूत्र अपने गले में डालना चाहेगी? हाँ? ओह कितनी दुख की बात है, क्या वो सारी जिंदगी अकेला ही गुजार देगा, उसका हाथ कोई नहीं थामेगा? अरे मगर तुमको उसकी इतनी चिंता क्यों होने लगी, मारो गोली उसको। कैसी बातें करते हो, आखिर वो तुम्हारा भाई है ना? अरे लेकिन उसकी किस्मत में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो उसे भटकने के लिए इस संसार में अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ती हूँ? हाँ। अरे तुम मुझसे मिलने आई हो या उसकी सिफारिश करने आई हो? मैं उसी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? उसे इस तरह अकेला छोड़ दिया तो उसका जीवन वीरान हो जाएगा। तुम्हारी माँ का भी यही ख्याल है? मेरी माँ का भी यही ख्याल है? हाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी माँ बेचारी रो रो कर कह रही थी, विजय मेरे बेटे की जीवन नैया तुम्हारे हाथ में है, उसे पार्ट लगा दो, उसे शादी कर लो, वरना वो डूब जाएगा। ओफो। मैं उनके आंसू देखकर इनकार ना कर सकी। अच्छा ये सब मेरी माँ ने कहा कि मेरे छोटे बेटे की जीवन नैया पार लगा दो, उसे डूबने मत देना। हाँ, उन्होंने ही कहा। अरे चल पाजी, तुझे सुबह सुबह झूठ बोलने के लिए कोई और नहीं मिला? और तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कोई और नहीं मिला? डबल रोल करने वाले फांदेबाज,
कभी गुंडागिरी करते हो, कभी वर्दी पहनकर घूमते हो। मुझे सब मालूम है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, वैसे बनाने की जरूरत भी क्या है? क्या कहा? मेरा मतलब है कि मैंने ठीक कहा ना? ठीक कहा, ठहरो, बताते हैं। चोर! तेरी ही नियत में थोड़ी सी
आपने मुझे याद किया सर। हाँ, तुमने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें मालूम है? मैं समझा नहीं सर। तुमने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ लोग असली दूध की जगह नकली मिलावट वाला दूध बनाकर बेच रहे हैं और उसी के कारण बच्चों की मौत हुई। यस सर। तुम्हें मालूम है गलत रिपोर्ट लिखवाकर तुमने कुछ ऐसे लोगों के गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की है जिनके हाथ बहुत लंबे हैं। मेरा काम गुनहगारों को तलाश करना है सर। गिरेबान किसका है, उसके हाथ कितने लंबे हैं, ये देखना मेरा काम नहीं है सर। हाँ, लेकिन ये देखना तो तुम्हारा काम है कि तुम जिन्हें मुजरिम साबित करना चाहते हो वो कौन लोग हैं। अगर वो इज्जतदार लोग निकले तो तुम्हारी वर्दी खतरे में पड़ सकती है। मेरी वर्दी नहीं सर, उन लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। एक बार सिर्फ उस दूध की लैब रिपोर्ट आ जाने दीजिए। लैब रिपोर्ट आ जाए तो क्या करोगे? उन इज्जतदारों की असली सूरत दुनिया को दिखाऊंगा। तो दिखा दो सूरत। ये लो उस दूध के डिब्बे की लैब रिपोर्ट, लो खुद पढ़ लो। लेबोरेटरी का कहना है कि उस दूध में कोई खराबी नहीं थी, वो बिल्कुल असली और प्योर दूध था। ये झूठ है सर, ये मिली भगत है, इस लैब को खरीदा गया है। तुम फिर गलती कर रहे हो, बिना सबूत के लोगों पर कीचड़ उछाल रहे हो। मैं कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है, वरना मैं जब जीप में दूध के डिब्बे लेकर आ रहा था तो मुझ पर हमला क्यों किया गया? बॉम्ब मारकर जीप को ब्लास्ट किसने किया? दूध के डिब्बे छीनने की कोशिश क्यों की गई? इससे साफ जाहिर होता है सर कि कुछ लोग ये नहीं चाहते कि वो बनावट और जहरीला दूध सरकारी हाथों तक पहुंचे। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुम जो कह रहे हो सच कह रहे हो, लेकिन अदालत और कानून इस बात को नहीं मानेंगे। उन्हें ठोस सबूत चाहिए, और तुम जानते हो कि सबूत के बिना कानून अपने फैसले नहीं सुनाया करता। ठीक है सर, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं सबूत भी ढूंढ कर ले आऊंगा। आई एम सॉरी सूरज, मोहलत देना अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इस शहर से तबादला हो गया है। तबादला? क्यों? पता नहीं, जब लोगों की तरक्की होती है तब उनका तबादला होता है, और कुछ लोगों का तबादला इसलिए किया जाता है कि उनकी ड्यूटी कुछ बड़े लोगों के रास्ते में रुकावटें पैदा करती है। मेरी ड्यूटी भी शायद किसी बड़े आदमी के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही हो। भगवान उस बड़े आदमी का भला करे जिसने तुम्हारा तबादला करवा दिया। क्या मतलब, तुम मेरे तबादले से खुश हो? बहुत। मैं तो पिताजी से कहकर खुद तुम्हारा तबादला पूना में करवाना चाहती थी। क्यों? सिर्फ अपने एग्जाम्स खत्म होने के इंतजार में थी। क्यों? क्योंकि मेरा घर भी वही है। आर यू मिस्टर सूरज कपूर? यस सर। कल से ड्यूटी रिज्यूम कर रहे हो? यस सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। डैडी, इनसे मिलिए, ये है सीता देवी और ये मेरे डैडी। नमस्ते। इत्तेफाक से आपने पहले कभी मुझे देखा है? जी मुझे याद नहीं आ रहा। इत्तेफाक से मैंने पहले कभी आपको देखा है? मालूम नहीं। आप करती क्या? अरे डैडी, ये कुछ नहीं करती, इनके बेटे काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? पहले तो नागपुर में थे, अब यहाँ तबादला हो गया है, ड्यूटी पर रिपोर्ट करने गए हैं। मैंने इन लोगों को यहीं रोक लिया है। घर के होते हुए होटल में रहने की क्या जरूरत है? मैंने ठीक किया ना डैडी? हाँ बिल्कुल ठीक किया। आप बैठिए ना, तशरीफ कीजिए। नमस्ते जी। इत्तेफाक से तुमने पहले मुझे कभी देखा है? पता नहीं। इत्तेफाक से मैंने पहले कभी तुम्हें देखा है? डोंट नो। काम क्या करते हो? सर्कल इंस्पेक्टर। कहाँ? मैंने इससे पहले नागपुर में था, अब तबादला होकर यहाँ आ गया। किसके बेटे हो? मैं श्रीमती सीता देवी का बेटा हूँ। मैं तुम्हारे बाप का नाम पूछ रहा हूँ। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ ही है। बिना बाप के जन्म दे दिए? धर्माधिकारी जी। लाल पीले क्यों हो रहे भाई? फिर तुम्हारे बाप का ही तो नाम पूछ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? मैं उस इंसान का नाम अपनी जबान पर नहीं लाना चाहता। लेकिन वो कहाँ है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ तो मालूम होगा ना तुम्हें? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप इस बारे में मुझसे कोई सवाल न पूछे तो अच्छा है। प्लीज, तुम्हारे पिता जिंदा तो है ना? प्लीज स्टॉप इट। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप कोई और बात करें। अब तुमसे बात करने को बचा ही क्या है? अब तुम अगर इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो मत करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम्हें पड़ता है, क्योंकि जैसे आदमी को अपने बाप का नाम न मालूम हो, दुनिया वाले उसे जरा नीची निगाह से देखते हैं। डैडी प्लीज। क्या है? सूरज। चलो माँ। सूरज रुक जाओ प्लीज, मेरी हमारा यहाँ से जाना ही अच्छा है। हेलो, तुमसे जरूरी काम है, जरा फौरन शराबत खाने पे चले आओ। अच्छी बात, आते वक्त वो बुद्धूराम के उस बुद्धू बाप न्याय शर्मा को भी साथ लेते आना। लेता आऊँगा। सुनो, ये अर्जेंट मीटिंग बुलाने की वजह? भाई मेरी बेटी मेरे पूरे हार्ट का प्रोग्राम बना कर आई, कहती उसी से प्यार करूंगी, उसी से शादी करूंगी। तो जिससे प्यार करती है उससे शादी करने दीजिए ना, आप बीच में टांग लाने वाले कौन होते? अपनी टांग हटा लेंगे बीच में से। उल्लू का बच्चा वो है कौन? मेरी बेटी। आपकी बेटी? आपकी बेटी? पिताजी आपने तो कहा था वो मेरे से प्यार करती है, फिर वो किसी और से प्यार कैसे कर रही है? चुप करने का बच्चे। अरे बार बार मेरा नाम क्यों लेते हो? अरे सुनो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? एक लड़का जिसकी शक्ल बिल्कुल ज्वाला सिंह से मिलती जुलती है। अरे बाप रे, ये ज्वाला सिंह का बच्चा कहाँ से आ गया? ओ शट अप। ज्वाला सिंह से सिर्फ शक्ल ही मिलती है ना? चलिए बोलो, सिर्फ शक्ल ही मिलती है ना? मुझे लगता है ये उसी का बेटा है। तुम्हें कैसे मालूम? तुमने उस लड़के से उसके बाप के बारे में पूछा? पूछा, लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में बात करता है, बाप का जिक्र भी नहीं करना चाहता, और इस बात ने मेरे शक को और मजबूत कर दिया। अरे बेटा क्या फाड़ में, ज्वाला सिंह तो जेल में ही है ना? हाँ जेल में। चाचा जी, ये ज्वाला सिंह कौन है? ये जेल में क्यों है? इसका कोई फोटो लगा के अबे चुप कर करने के बच्चे। अच्छा अच्छा, ज्वाला सिंह वही है ना जिसको रघुराज सिंह के खून के इल्जाम में आप लोगों ने जेल में फंसाया? तुझे किसने बताया बे? पिताजी ने 29 मार्च। ये देखिए, ये देखिए। अरे अरे क्या कर दिया? अबे न्याय शर्मा, ये क्या गोबर की औलाद पैदा की है तूने? ओहो छोड़ो इसे, ज्वाला सिंह के बेटे का क्या कर रहा है? अगर कहीं उसे अपने बाप की बेगुनाही का पता चल गया तो वो दोनों बाप बेटे मिलकर हम लोगों से बदला लेने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया जानती है कि हमारे दिलों में उस आजादी की सिपाही विजय रघुराज के लिए बहुत इज्जत है, बहुत मान है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी का नाम विजया रखा है, तुमने अपने बेटे का नाम रघु बुद्धिराम रखा है, और तुमने अपने बेटे का नाम राज रखा है, और दुनिया हमारे इस प्यार और जज्बे की इज्जत की कदर करती है। इसलिए तो उसका नाम अपना बना लिया है, और उसकी तमाम जायदाद आप उसके पास भी है। चुप, लंगड़ा खबीस, बेटा गधा बाप गधे का बाप। मुझे मालूम था तेरी जबान से बकवास निकलेगी, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया। अरे भाई लेकिन तो हम आपस की बात कर रहे हैं, ये ज्वाला सिंह सुन लेगा क्या? और फिर किसी को क्या मालूम कि ज्वाला सिंह जिंदा है या मर मरा गया है? Vande Mataram, 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 V
वरना एक एक को गोली मारेगा। किधर है, क्या करता है? हम कहां हैं, क्या करते हैं, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इस पवित्र धरती से अंग्रेजों के नापाक कदमों को उखाड़ फेंकना। बोलो उसका एड्रेस क्या है, किधर है वो? हमारा पता, हमारा ठिकाना किसी भी हालत में किसी को मालूम ना होने पाए। अगर ये जंग लड़ते लड़ते हम में से कोई फिरंगियों के हाथों गिरफ्तार हो जाए तो जुल्म सहते सहते भले ही अपनी जान दे देना, लेकिन अपने साथियों का पता ठिकाना कभी मत बताना। सीधा से अपने बेटे का पता बताओ, अगर हमने उसे दूर निकाला तो तुम्हारे सामने उसे गोली मार देगा। मौत से जो लोग घबराते हैं वो बुज़दिल हैं। सर फरोश तो हंसते हंसते मौत को गले लगाते हैं। मौत सिर्फ शरीर को खत्म कर सकती है, लेकिन हमारे हौसले, हमारे इरादे, हमारी आजादी की जंग को नहीं। ऐसा कैसा हो सकता है, वो किसी के पास तो रहता होगा। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, न मां न बाप, न भाई न बहन, न बीवी न बच्चे न दोस्त। हमारा सब कुछ हमारी भारत माता है, ये देश है, इसकी धरती है, और हमारा मकसद है इस देश की आजादी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्हारा बेटा खाली एक है, ब्रिटिश फोर्स तो लाखों है, वो अकेला क्या करेगा? सबसे पहले क्रांति की आवाज उठाने वाला एक अकेला इंसान ही होता है, और जब वो अकेली आवाज गूंजती है तो एक से सौ, सौ से हजार और हजार से लाखों हो जाती है। क्रांति का इतिहास उठाकर देख लो, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस भी अकेले थे, आंध्रा में अल्लूरी सीताराम राजू अकेला था, उत्तर भारत में चंद्रशेखर आजाद अकेला था, दक्षिण भारत में वीर पांड्या कट्टा बम्मन अकेला था, पंजाब में भगत सिंह अकेला था। कंदा नाना संदाना कंदा नाना, कंदा नाना संदाना कंदा नाना, कदम 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 याद रखना भूल न जाना, याद रखना भूल न जाना, वीर अमर शहीदों की ये कुर्बानी, वीर अमर शहीदों की ये कुर्बानी, देशभक्त भगत सिंह की ये कहानी, याद रखना भूल न जाना, याद रखना भूल न जाना, कंदा नाना कंदा ना कंदा नाना। बचपन से गर्म उसका खून था, सर में आजादी का जुनून था, खेत में एक दिन जो पूछा बा चलेंगे इनसे गोलियां, खेलनी है अब लहू से होलियां, इस गुलामी की है मुझे लाश जलानी, देशभक्त भगत सिंह की ये कहानी, याद रखना भूल न जाना, याद रखना भूल न जाना, तंदा नाना तंदा ना तंदा नाना। सरकार अलफ नंगी,
दस्तूर बदल डाले, सैकड़ों मासूम मसल डाले, राजगुरु सुखदेव और दत्त से साथियों से मिलके भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 में साल में फेंका बम्ब असेंबली हॉल में, चिंगारी भड़की उठी बरसों पुरानी, देशभक्त भगत सिंह की ये कहानी। याद रखना भूल न जाना, याद रखना भूल न जाना, तंदा ना ना तंदा ना तंदा ना ना। उस एक धमाके ने जो शोलों को हवा दी, अंग्रेज हुकूमत की तो बुनियाद हिला दी, अंग्रेज चले जाओ वतन छोड़ो हमारा, वतन छोड़ो हमारा, वतन छोड़ो हमारा, हर सिमत से बस गूंज उठा एक ही नारा, उम्र हुआ कितना बड़ा वो, इतनी बड़ी ताकत के हुआ आगे खड़ा वो, यूं सर पे कफन बांध के दुश्मन से लड़ा वो, हंसता हुआ गाता हुआ फांसी पे चढ़ा वो, फांसी पे चढ़ा वो, जब याद करो आंखों में भर आता है पानी, देशभक्त भगत सिंह की ये कहानी। याद रखना भूल न जाना, याद रखना भूल न जाना, तंदा ना ना तंदा ना तंदा ना ना। एक गया निसार है, मरने को तैयार है, मरने को तैयार है, जंग ये जारी रहे, रंग ये तारी रहे, कतरा कतरा खून का कतरे कतरे पे लिखा, जब तलक वतन गुलाम हम पे जिंदगी हराम, जब तलक वतन गुलाम हम पे जिंदगी हराम, जी उठे मरने के बाद इनकलाब। Come on, man, what happened? You bloody Indian! कौन है तुम फिरंगियों की मौत ज्वाला। थानेदार साहब मुझे बचाइए, कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं। कहाँ है गुंडे? बाहर सड़क पर, मैं आश्रम जा रही थी, न जाने अचानक कहाँ से आ गए, मुझे पकड़ने लगे, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ, मेरी मदद कीजिए थानेदार साहब। मदद? मेरी मदद कीजिए। हम मदद कैसे कर सकते हैं सर, पूरे इलाके में लूट खसोट मारपीट धींगा मस्ती चल रही है, सारी पुलिस वहाँ लगी हुई है, यहाँ कौन है जो इसकी मदद करेगा? हाँ, इस वक्त हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। मदद नहीं कर सकते, अच्छी बात है,
अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दे रहे हैं? सर, उसे रोकिए ना। सुनो, तुम इस तरह नहीं जा सकती हो। हर तरफ खून खराबा हो रहा है, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। अगर किसी ने तुम्हारी इज्जत पर हमला कर दिया तो बैठे बिठाए हमारी इज्जत पर हमला हो जाएगा। इसलिए हमारा हुक्म है, आज रात पुलिस स्टेशन में गुजार लो, सुबह होते ही हम तुम्हें घर पहुंचा देंगे। नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? वहाँ आश्रम में बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अगर मैं नहीं पहुंची तो परेशान हो जाएंगे। ठहरो, उसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें खबर भिजवा दूंगा। तुम सिर्फ उनका पता बता दो। जी नहीं, मुझे जाना ही होगा, किसी भी हालत में जाना ही होगा। जब हम मना कर रहे हैं तो तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हें रुकना पड़ेगा। चलो अंदर, चलो चलो चलो। चले जी, पकड़ो, जाने ना पाए, पकड़ो, अरे पकड़ो। बेटी, कौन है ये? क्या हुआ इन्हें? ज्वाला, 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 who is this bloody ज्वाला? कौन है ये? पकड़ो उसे, catch him, kill him. नहीं तो हमको रात को नींद नहीं आएगा, चैन नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। यस, एक अनाउंसमेंट करो, जो भी ज्वाला सिंह को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको 25,000 रुपया इनाम में देगा। अरे और राम प्रसाद, सुना, जो ज्वाला सिंह को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराएगा सरकार उसको 25,000 रुपया इनाम देगी। सुने ओ सिपाही, क्या है खबर? क्या खबर? क्या 25,000 का इनाम है, जो ज्वाला सिंह को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाएगा सरकार उसको 25,000 रुपए इनाम देगी। हम जानते हैं उसको, हम उसको पकड़ा सकते हैं। तुम लोग ज्वाला सिंह को जानता है? जानता है, अरे साहब हम तो उसको लंगोटिया यार है, बचपन के साथी हम लोग। तुम लोग ज्वाला सिंह को कैसा पकड़वाएगा? सरकार, माय बाप, आप हमें एक बार कुछ दिनों के लिए बाहर जाने दीजिए, फिर हमारा कमाल देखिए। और अगर तुम लोग ज्वाला सिंह को नहीं पकड़वा सका था तो कैची के इल्जाम में हमें फांसी तो चढ़ना ही है, आप हमें वक्त से पहले ही फांसी चढ़ा दीजिएगा। लेकिन भाई बाप, अगर हमने उसे पकड़वा दिया तो आप हमारे इनाम के साथ साथ हमें माफ भी कर दीजिएगा, वरना फांसी चढ़ जाने के बाद 25,000 का क्या फायदा है? लेटे रहो, लेटे रहो, आप कैसे हो? ठीक हो। कल रात मैंने तुमसे इसलिए कुछ नहीं पूछा कि तुम्हारी स्थिति काफी खराब थी। अब बताओ कौन हो तुम? घबराओ नहीं बेटा, यह आश्रम है, यहां कोई भी बात किसी से गुप्त नहीं रखी जाती, सच सच बता दी जाती है। कहो कौन हो तुम? हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने नाम, अपने काम और अपने मकसद को अपने दिल में कैद रखेंगे। खामोश क्यों हो? क्या तुम उन लोगों में से हो जो देश की खातिर आजादी की जंग लड़ रहे हैं? जी नहीं। डाकू हो? जी नहीं। पहला नहीं तुमने बड़ी मुश्किल से कहा था और दूसरा आसानी से कह दिया, मतलब ये कि पहली बात सही थी और तुम जाहिर करना नहीं चाहते थे। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया बाबा, हमने ये शपथ ली है
कि जब तक हम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो जाते तब तक हम अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, किसी को अपना परिचय तक नहीं देंगे। यह कसम मैंने और मेरे संगठन के तमाम साथियों ने अपने खून के तिलक लगाकर खाई है। कौन सा संगठन है तुम्हारा, क्या नाम है उसका? अभी नहीं बाबा, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। बस इतना विश्वास रखिए कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने देश और कौम की भलाई के लिए कर रहे हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही जान लेना काफी है। सरदार, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? उस रात को मैंने और गोखले ने तुम्हारा पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में रास्ता भूल गए और बाद में किसी तरह पता लगाकर हम यहां चले आए। हम तो घबरा गए थे कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। ठीक है, चलो चलते हैं। नहीं सरदार, अंग्रेजों का हमारी गुफा का पता चल गया है, इसलिए तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। हाँ सरदार, फिलहाल तुम यहीं रहो, हम सारी खबरें तुम्हें यहीं पहुंचा दिया करेंगे और यही बताने तो हम यहां आए हैं। अच्छा सरदार, अब हम चलते हैं, कहीं किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अच्छी बात है। जय हिंद। जय हिंद। जा रहे थे? नहीं तो क्यों? देखिए एक बात बताई देती हूं, बगैर बताए आप यहां से कभी मत जाना। क्यों, क्या हो जाएगा मेरे चले जाने से? किसी का दिल टूट जाएगा। और अगर बताकर जाऊं तो आपकी वापसी तक आपका इंतजार रहेगा। और अगर मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊं तो? तुमने मेरे भरोसे अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, आज मैं भी भगवान के सामने सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करूंगा, कभी जिंदगी में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। साथियों, क्या हुआ सरदार को? फिर अंधेरे में क्या कर लिया? हाँ कर लिया। जल्दी आओ, चलो 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 चलो। हाँ, जल्दी आओ। Hands up, don't move, arrest them. देखा साहब, हमने अपना वादा पूरा कर दिया ना? ज्वाला और उसके सब साथी को पकड़वा दी। Good, very good. हम अभी जाकर ज्वाला को देखना मांगता है, वो कितना बहादुर है, कितना हिम्मत वाला है। मैं ज्वाला हूँ। तुम ज्वाला नहीं है, तुम ज्वाला का साथी है। ज्वाला का हर साथी ज्वाला है फिरंगी, जो तुम्हारी उखड़ती हुई हुकूमत की जमीन पर एक दिन ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ेगा। लगी राजकन, तुम भी ज्वाला नहीं है, बोलो से ज्वाला किधर है? तुम बोलो ज्वाला किधर है? तुम बोलो ज्वाला किधर है? ओके लगी, सब ज्वाला कैसे हो सकता है? एकदम दो चुदे कौन? वही जिसका नाम पुकार पुकार कर तुम्हारा गला सूख गया है, जिसने तुम्हारी सरकार को ज्वालामुखी की तरह हिला दिया है। मैं वही ज्वाला हूँ। ज्वाला सिंह है। बको, क्या काम है मुझसे?
नथिंग नथिंग, खाली टेक ना मांगता था तुमको, दैट्स ऑल। टेक लिया ना। कैसा दिखता हूँ? अच्छा दिखता है, लुक्स गुड। और अगर तुम्हें कल का सूरज देखना है तो फिर मेरे साथियों को छोड़ दो। ऑफ कोर्स, तुम्हारा साथी लोग हमारा साथी है। अच्छा, तो फिर उन पर ये जुल्म क्यों ढाया जा रहा है? जुल्म नहीं ढा रहा हूँ, एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, मजबूत बना रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं उन्हें काफी एक्सरसाइज करवा चुका। चल बाहर। अपने सिपाहियों से कहोगे बंदूकें फेंक दें। सुना नहीं तुम लोगों ने? मिस्टर ज्वाला सिंह क्या बोलते हैं? तुम सब लोग अपनी गन्स फेंक दो, बंदूकें नीचे रख दो। मेरे साथियों को छोड़ने के लिए कहो। जो ज्वाला सिंह फिर कहते हैं इनके साथी लोगों को छोड़ो, फ्री कर दो। हम बोलते हैं फ्री कर दो, छोड़ दो। हम बोल दिया सर, ज्वाला साहब हम बोल दिया इनको। छोड़ दिया यू सी, तुम्हारे साथी लोग हमारे दोस्त है। आई लाइक इंडियंस, हमको हिंदुस्तानी लोगों से प्यार है। इसी के वास्ते हमारा ड्राइवर हिंदुस्तानी है, हमारा माली हिंदुस्तानी है, हमारा बावर्ची हिंदुस्तानी है, हमारा धोबी हमारा बोची हिंदुस्तानी है। और एक दिन जो तुम्हारी जान लेगा वो भी हिंदुस्तानी ही होगा। चलो हमें बाहर तक छोड़ कर आओ। सर, ज्वाला सिंह को पकड़ने का एक ऐसा आइडिया जहन में आया है कि आप सुनेंगे तो आपकी गैस निकल जाएगी। माफ करना, मुंह से निकल गया, मतलब आप सुनेंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सरकार, भगवान और धरती माँ के बाद वो सबसे ज्यादा अपनी माँ को चाहता है। अगर उसकी माँ को पकड़ लिया जाए और उसे तकलीफ दी जाए तो वो ज्वाला सिंह का हार्ट फेल हो जाएगा। Come on, speak up! बोलो बोलो, तुम्हारा बेटा किधर है? Speak up! थोड़ा टाइम का अंदर ये बर्फ मेल्ट हो जाएगा, फांसी लग जाएगा और तुम्हारा गर्दन टूट जाएगा। उसके बाद भी हिंदुस्तानियों की हिम्मत नहीं टूटेगी और मजबूत हो जाएगी। हिटर हिटर अगेन। You bloody old woman! मार खाता है, बोलता नहीं है। मारो और मारो। मेरी गर्दन के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, मेरा दम क्यों ना निकल जाए, मेरी ज़बान दर्द से कराह क्यों ना उठे, मगर मैं देश से गद्दारी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम काहे को ऐसा बेटा गवाते अपना जान देता है जिसका जिंदगी का कोई भरोसा नहीं? थोड़ा टाइम के अंदर ब्रिटिश कोली उसका सीना का ठोक कर निकल जाएगा। निकल जाने दो, जब तक गोलियों से सीने छलनी नहीं होंगे हिंदुस्तानियों की हिम्मतें मजबूत नहीं होंगी। जब तक खून नहीं बहेगा भारत के झंडे में आजादी का रंग नहीं आएगा। जाओ।
शूट हिम। ज्वाला सिंह हथियार फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा सब साथी लोग को शूट कर देगा। फेंक दो हथियार, मैं कहता हूं अपना बंदूक नीचे रख दो। टिकट टिकट प्लीज, टिकट टिकट। बाबा बाबा ठहरो भाई, कौन हो तुम? मैं हूं बाबा, मैं। सीता कहाँ है बाबा? बाबा बाबा बाबा, क्या हुआ बाबा? आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सूरत देखना भी पाप समझता हूं। इस आश्रम में कदम नहीं रखना, वरना यहां की पवित्र धरती अपवित्र हो जाएगी। चले जाओ यहां से। बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? मेरा कसूर क्या है? तुम्हें क्या हक था पिता की जिंदगी बर्बाद करने का? नहीं बाबा, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, मैं बेगुनाह हूं बाबा। अगर बेगुनाह हो तो यहां से चोरी चोरी भाग जाने की और इतने साल गायब रहने की क्या जरूरत थी? बाबा इल्जाम लगाने से पहले एक बार ये तो पूछ लेते कि मैं इतने साल कहां रहा, ये वक्त मैंने कैसे गुजारा। कोई जरूरत नहीं, तुम जैसे डाकू लुटेरे हमेशा अपनी असलियत छुपा कर रखते हैं। बाबा ये सच है कि शपथ की वजह से मैंने अपनी असलियत को आपसे छुपाए रखा, लेकिन आज मैं अपनी असलियत, अपना नाम आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं ज्वाला सिंह हूं। क्या तुम ज्वाला सिंह हो? हाँ, वही खूनी ज्वाला सिंह जिसने विजय रघुराज जैसे आजादी के सिपाही का खून किया था? नहीं बाबा, ये झूठा इल्जाम है जिसने मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है। ये देश के तीन गद्दारों की फैलाई हुई कहानी है। मेरी गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने मुझे काला पानी भेज दिया और वहां अभी हमको तुमसे एक और काम है। हाँ, उसके बाद हम तुमको माला माल कर देगा। क्या नाम है उसका? विजय चारू मारू, व्हाट अ डिफिकल्ट नेम, मुंह में नहीं आता है। राजू राजा विजय रघुराज। यस यस यस। एनीवे उसके पास एक खजाना है, ट्रेजर ट्रेजर, पर किसी को बताता नहीं है कि किधर रखा है। जान देने को तैयार है पर बताता नहीं है कि किधर रखा है। नाउ दिस वो रघु अंडमान जेल में है। अंडमान जेल में? यस। अब तुम लोग कोई चाल चलकर उस तक पहुंचो एंड फाइंड आउट कि वो खजाना किधर है। हम तुमको 3 लाख देंगे। 3 लाख? भला स्वतंत्र भारत की, भला स्वतंत्र भारत की, भला स्वतंत्र भारत की, भला स्वतंत्र भारत की। आप कितने दुख की बात है कि आपको भी यहां दूसरे कैदियों की तरह पत्थर उठाने पड़ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? मैं भी तो एक कैदी हूं, मैं भी तो गुलाम हूं। तुम लोगों को किस जुर्म में भेजा गया है? इस भक्ति के जुर्म में महाराज, जब आप जैसे महान लोगों को नहीं बख्शा गया तो फिर हम किसके इसकी खात हैं? देश का क्या हाल है?
कोई नई खबर? बस इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, चंद्र में आजादी का ऐलान कर दिया जाएगा। क्या भारत आजाद हो जाएगा? हम लोग आजाद हो रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र हो रहे हैं। बोलो स्वतंत्र भारत की जय, स्वतंत्र भारत की जय, स्वतंत्र जय। तुम्हें खजाने के बारे में कैसे पता चला? वो तो महाराज अंग्रेज भले न जानता हूं, मगर आपने देश के लिए, उसकी जनता की भलाई के लिए क्या लुटाया है, क्या छुपाया है, भला हम कैसे नहीं जानेंगे? आखिर हम भी तो देश पे जान देने वालों में से है ना। तो वो खजाना कहाँ है महाराज? हाँ, आजादी मिलने से पहले ही अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो फिर क्या होगा? मैं तुम्हें उस खुफिया खजाने का पता बता देता हूँ। उस खजाने की दौलत से तुम आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की मदद करना, लेकिन मातृभूमि पर तिरंगा झंडा जरूर लहराना। हाँ जरूर, वो तो है। जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। ये एक राज था जिसके बारे में कोई नहीं जानता, यहां तक कि मेरी पत्नी भी नहीं। आज वो राज। अरे हटो, क्यों फजूल बातें करके इनको परेशान कर रहे हो? हटो, आइए डॉक्टर साहब, ये देखिए, इन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। इनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है, मैं कुछ दवाइयां देता हूं, इन्हें ठीक वक्त पर देते रहना। जी डॉक्टर साहब। एक जरूरी ऐलान सुनिए, 14 अगस्त को ब्रिटिश राज्य खत्म हो जाएगा और भारत 15 अगस्त से स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, भारत स्वतंत्र भारत की, भारत स्वतंत्र भारत की। एक आइडिया आया है। क्या? क्या? हिंदुस्तान तो आजाद हो गया, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर हम उस खजाने का राज अंग्रेजों को क्यों बताएं? क्यों ना खुद ही हड़प कर जाएं? क्या बताएं? क्या क्या हुआ? ये नहीं हो सकता। अरे अभी वो उल्लू का पट्टा महाराज रघुराज जिंदा है ना, वो तो अपना सारा खजाना गरीबों की भलाई और जनता में बांटने वाला है। अबे चुप है, गरीबों की भलाई और जनता में बांटने वाला है? अबे साले, वो जिंदा रहेगा तब बांटेगा ना। अरे क्या कर रहे हो नीनो? कुछ तो मैं कहता हूं छोड़ दो, छोड़ दो। रघुराज जी, रघुराज जी का खून कर दिया। अरे खून क्या हो? रघुराज जी जिंदा, खून कमीने। और इस तरह उन लोगों ने मुझ पर खूनी की छाप लगा दी। मैंने चीख चीख कर दुनिया वालों से कहा कि मैं खूनी नहीं हूं, क्रांतिकारी हूं, सारी जिंदगी आजादी की जंग लड़ता रहा हूं। मैं आजादी के नेता का खून कैसे कर सकता हूं? मगर मेरी किसी ने एक न सुनी, मुझे देशद्रोही और वतन फरोश का नाम दे दिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। यही वजह थी कि मैं इतने साल यहां लौटकर नहीं आ सका, अपनी सीता से नहीं मिल सका। याद है बाबा, एक दिन मैंने कहा था मैं हमेशा इंसाफ का साथ निभाऊंगा, आज भी मैं वही कह रहा हूं। भले इंसाफ ने मेरा साथ न दिया हो, लेकिन मैं सीता के साथ इंसाफ जरूर करूंगा, उसके साथ अन्याय कभी नहीं होने दूंगा बाबा। अन्याय तो उसके साथ हो ही चुका है बाबा। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि वो गर्भवती है, शर्मिंदगी के कारण वो हमारे सामने आना नहीं चाहती थी, एक दिन चुपचाप आश्रम छोड़कर चली गई। बरसों बीत गए, न वो लौट कर आई,
और न उसकी कोई खबर मिली। कौन जाने के वो जिंदा भी। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? तकदीर ने तुम दोनों के साथ बड़ा अन्याय किया है, पापियों के दामन में फूल डाल दिए और तुम्हें सिर्फ कांटे ही कांटे दिए। नहीं बाबा, हमारे साथ अन्याय तकदीर ने नहीं किया है, वो तीनों शैतान धर्माधिकारी सत्यदेव न्याय शर्मा ने किया है। उन्होंने मेरी वफादारी पर गद्दारी की छाप लगा दी, उन्होंने ही मुझे उम्र कैद की सजा दिलवाई, उन्हीं की वजह से मेरी मां की मृत्यु हुई, उन्हीं की वजह से अब मेरी सीता मुझसे अलग हो गई। आज ये ज्वाला सिंह कसम खाता है अपनी मां की, जिसका अंतिम संस्कार भी वो न कर सका, कि जब तक वो उन्हें ढूंढकर उनके टुकड़े टुकड़े न कर दे वो चैन की सांस नहीं ले। विजय रघुराज जी ने अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपनी रियासत, यहां तक कि अपनी जान भी। उस महापुरुष की मौत का जिम्मेदार था वो गद्दार, वो देशद्रोही ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह की वजह से आज रघुराज जी हमारे बीच में नहीं है। आज हम उनकी शहादत की बरसी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो आइए उनकी याद को अपने दिलों में जिंदा रखने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग 2 मिनट खामोश खड़े हो जाएं। भाई और बहनों, स्वर्गीय राजा रघुराज सिंह जी की यादगार की एक स्मारक की नींव बहुत पहले रखी गई थी, लेकिन वो काम अभी तक पूरा नहीं हो सका। उस अधूरे काम को पूरा करना भी हम लोगों का धर्म है, तो आइए हम सब मिलकर कसम खाते हैं कि राजा साहब की आत्मा को शांति देने के लिए उनकी तमन्ना को हम पूरा करेंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, दिल खोलकर जो भी कुछ आपके पास है इसमें दीजिएगा, ये एक नेक मकसद के लिए है। जेवर, सोना, पैसा, रुपया, नोट, सिक्के वगैरह वगैरह जो भी आपसे हो सकता है, जो भी आपके पास है दिल खोल कर दीजिएगा, हम आपके पास आ रहे हैं। चलो भाई चलो, अभी यहाँ भी तो कुछ डालिए। हाँ डालिए, आइए आइए, नेक काम कीजिए, नेक काम कीजिए, चंदा डालिए। ये हिंदुस्तानी कौम भी गजब बेवकूफ कौम है। क्या? राजा को मरे हुए 30 साल हो चुके हैं, मगर अब तक उसे याद रखे हुए हैं। उसकी कहानी सुनाओ तो फूट फूट के रो पड़ते हैं। अरे भाई, ऐसे ही मरने वाले को लोग महात्मा कहते हैं। अब देखो, जब वो जिंदा था तो उसने खजाने का पता बताकर हमारी मदद की, और जब वो मर गया तो हमें चंदा दिला दिलाकर हमारी मदद कर रहा है। भाई ऐसी आत्मा को ही तो महात्मा कहते हैं। अरे भाई, अगर वो महात्मा है तो हम कौन है? तुम खूनी हो। अबे दिखा। अबे दिखा। अरे क्या दिखाओ? अबे दिखा। अरे क्या दिखाओ? जब देखो दिखाने दिखाने की लत लगाए रखता है। आप इतने पुरानी आदत नहीं की क्या? अबे ओ लंगड़े, दिखा दिखा। अरे क्या है ये? क्या? ये मेरी शादी की है, मेरे ससुराल में मुझे मिली थी। तेरे ससुराल वालों ने इतनी अंगूठियां दी थी? अबे निकल, मैं निकाल लेता, खोपड़ी तोड़ दूंगा। कमाल है, बड़ा जुल्म करते हो तुम। आइंदा ऐसी हरकत की ना तो उंगलियों के साथ साथ हाथ भी काट डालूंगा मैं। बस क्या, ये निकाल। नहीं पहचाना, मैं ज्वाला सिंह हूँ। ज्वाला? ज्वाला, मैं तुम लोगों को कुत्ते की मौत मारने आया हूँ, और इस काम के लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं ये काम अभी करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने एक महापुरुष को जबान दी है कि तुम लोगों से तुम्हारे जुर्म, तुम्हारे गुनाह लोगों के सामने कबूल करवाऊंगा। तुम तीनों लोगों के सामने भरी सभा में ऐलान करके बताओगे कि रघुराज का खून तुमने किया है, मुझ पे देशद्रोही और गद्दारी का इल्जाम तुम लोगों ने लगाया है,
वरना तुम लोगों के नाम और निशान ऐसे मिटा दूंगा जैसे आंधी आने पर रेत पर बने कदमों के निशान मिट जाते हैं। कमीनों, हरामखोरों, शहीदों का लहू पीने वालों, मुर्दों की बोटियां खाने वालों, ये सारी दौलत जनता की है और जनता के काम आनी चाहिए। अगर इसमें से एक पैसा भी तुमने खाया तो मैं तुम्हारे पेट चीर कर ये सारी हराम की कमाई बाहर निकाल लूंगा। और सुनो, मैं तुम लोगों को 3 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 3 दिनों के अंदर तुम लोगों ने सबके सामने अपने गुनाह स्वीकार नहीं किए तो 4th दिन सूरज निकलने से पहले तुम लोगों की लाशें तुम्हारे दरवाजे पर लटकती हुई नजर आएंगी। याद रखना मेरी बात को। हेलो हेलो, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस। यस, हाँ जी, मैं धर्माधिकारी बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, ये ज्वाला सिंह जेल में है या रिहा हो गया? जेल से तो रिहा हो गया, क्यों, क्या बात है? जी वो हमने जो रघुराज जी के स्मारक के लिए चंदा जमा किया था वो आके सब लूट के ले गया। अच्छा, और हमें मारा, कहने लगा इस बात की खबर हमने किसी को दी तो हमको जान से मार डालेगा। अच्छा, हाँ जी, प्लीज। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अरे ज्वाला सिंह ले गया। कब ले गया? जब तू उसे देखकर कटे हुए लकड़ी तरह गिर पड़ा था तब। इस थाले में क्या है? कुछ नहीं। ये आवाज कैसी थी? ये शीशे के टुकड़े हैं, पुलिस को दिखाने के लिए रखे। हाँ। दिखा दिखा। अबे सलाम साहब, ये देखिए, ये भी देखिए। फोटोग्राफर कम है, टेक द फोटो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो साहब, हम तीनों यहाँ बैठकर गरीबों के उद्धार और स्मारक बनाने के तरीके सोच रहे थे कि अचानक ज्वाला सिंह यहाँ से आया, हमको मारा और सब कुछ लूट के चला गया। लेकिन तुम तीन थे और वो अकेला, तुम लोगों ने उसका मुकाबला करने की कोशिश नहीं की? किया था, लेकिन उस वक्त मैं बेहोश हो गया और वो सारा माल लेकर भाग गया। क्या आप लोगों की ज्वाला सिंह से कोई पुरानी दुश्मनी है? हम तो उसको जानते भी नहीं, दुश्मनी किस बात की? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ पैसा लूटने के लिए आया था। यही होगा, और क्या हो सकता है। डोंट वरी मिस्टर धर्माधिकारी, हम ये केस इंस्पेक्टर सूरज के हवाले करते हैं, ही विल हैंडल इट। बहुत बहुत शुक्रिया डीसी साहब, थैंक यू वेरी मच। देखा बाबा, उन सांपों ने फिर से डसा है मुझे। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि चंदे के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था वो मैं लूट कर ले गया। क्या बाबा, आप अब भी चाहते हैं कि मैं खामोश रहूं, उनके जुम सहता जाऊं? नहीं बाबा, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा, उन तीनों कमीनों को जान से मार डालूंगा। आप सबको ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आप लोगों ने स्वर्गीय रघुराज जी के स्मारक के लिए जो चंदा दिया था वो चंदा ज्वाला सिंह हमसे लूट कर ले गया। लेकिन रघुराज जी जैसे आजादी के सिपाही का स्मारक जरूर बनेगा, और मैं ये भी जानता हूं कि आप उस नेक काम के लिए फिर चंदा देने आएंगे। कोई ज्वाला सिंह हमें उस स्मारक बनाने से नहीं रोक सकता, आप आएंगे और जरूर आएंगे। अरे वाह धर्माधिकारी, ये नेकलेस तो कमाल का है, देखो लगड़े। वाह, आज तो काफी माल इकट्ठा हो गया है। बलचे बलचे। अबे ओ चश्मेश, न्याय शर्मा की औलाद, उधर जेब में क्या डाला जा रहा है? ये तो फटा नोट है, बैंक में बदली करने का है। बदली करने का? साला जब भी देखो चोरी करना शुरू कर देता है। अबे निकल, अबे निकल। अरे मैं चलाता क्या यार, निकल जाओ। जब देखो तुम लोग मुझे डांटते रहते हो, अरे तुम लोग लोगों से लाखों रुपया चुराते हो, मैं क्या तुम लोगों से 50 रुपया भी नहीं चुराता। प्लस
शराफत के चोले पहने हुए चोरों, तुम लोगों ने आज तक मेरे साथ जो भी अत्याचार किए हैं, बेईमानियां की हैं, उसका तो मेरे पास एक ही जवाब है कि तुम लोगों को ऐसी मौत मारूं कि आइंदा किसी भी जन्म में तुम्हारे शरीर को आत्मा न मिले। लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही काम से यहां आया हूं कि जिस महान आदमी के नाम पर तुम लोगों ने यह पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा तुम्हारी तिजोरी में पहुंचने के बजाय उसके असली हकदार तक पहुंचा दिया जाए, यानी कि उर्मिला देवी के पास। चलो उठाओ वो माल और डालो बक्से में, डालो। हुआ सर? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। सूरज, सूरज बेटा, बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ बोलो तो। कुछ नहीं माँ, जरा सी चोट लग गई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ने कहा है आप आराम करें, वरना जख्म ताजा है, फिर खून बहने लगेगा। ऐसे, थैंक यू। लेकिन लेकिन बेटा बताओ तो, बोलो तो कैसे चोट लगी? कुछ नहीं माँ, रघुराज जी के स्मारक के लिए इकट्ठा किया हुआ चंदा लूट कर भागते हुए एक लुटेरे का पीछा करते हुए। कौन था वो? वही देश का पुराना गद्दार ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह? हाँ बेटा, बहुत ही खतरनाक और जालिम किस्म का इंसान है वो। कहते हैं कि बहुत से लोगों को उसने जान से मार डाला है। तुम अपना ख्याल रखना बेटे, कहीं ऐसा ना हो। फिक्र मत करो माँ, वो बुजदिल है,
सामने आने की हिम्मत नहीं, इसलिए जुर्म रात के अंधेरे में करता है। उससे तो मैं निपट कर ही रहूंगा। वो देश का पुराना गद्दार है। आजादी के दिन उसने आजादी के सिपाही श्री रघुराज जी का खून कर दिया। मैं उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं उसे गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पर न चढ़ा दूं। तुम फिक्र मत करो बेटा, इसमें उनका क्या दोष है? सच्चाई जानने से पहले मैं भी तो तुमसे नफरत करता था। तुम फिक्र ना करो, मैं सीता को समझाता हूं और उसे यहां लेकर आता हूं। माँ जी, आपसे कोई मिलने आए हैं। पापा, मुझे क्षमा कर दीजिए। रो मत, मुझसे एक भूल हो गई थी। मैंने आश्रम का नियम तोड़ा था। मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी, इसीलिए आपको बिना कुछ बताए मैं चुपचाप वहां से चली आई थी। तूने जान पूछ कर तो कुछ नहीं किया। विधाता ने जो भाग में लिखा था वही तेरे हाथों से हुआ। तू निर्दोष है बेटी, निर्दोष है। मैंने उन पर विश्वास किया, अपना जीवन उनके चरणों में अर्पण कर दिया। मैं सब जान चुका हूँ बेटी, लेकिन सच्चाई मुझे बहुत देर से मालूम हुई, वो भी निर्दोष है। बाबा हाँ, चल मेरे साथ आश्रम चल, मैं तुझे रास्ते में सब बताता हूँ। चल बेटी। ज्वाला हमारे पीछे हाथों के पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ सूरज हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इस वक्त हम दो दुश्मनों के बीच फंस गए। हाँ, यही तो हार्ट फेल करने वाली बात है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। ब्रदर, मेरे पास एक रास्ता है। क्या? तुम्हारी बेटी सूरज से प्यार करती है ना? तो तुम उसकी शादी सूरज के साथ कर दो। क्या बकवास करते हो, मैं अपनी बेटी को दुश्मन के घर भेज दूं? अरे भाई जरा सोचो तो, अगर हमारी बेटी दुश्मन के घर जाएगी तो दुश्मन हमारे घर नहीं आएगा। बेहुदा बात है, मैं नहीं मानता इस बात को। ब्रदर, बहुत गहरी चाल है, इनकार मत करो दोस्त। बाकी तू मुझ पे छोड़ देना, ओके? प्लीज, दैट्स गुड। हाँ, बैठो 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 बैठो। पहले तो मैं समझता था कि मैं तुम्हारी शादी को यूं रोक लूंगा, मगर अब नहीं रोकूंगा, क्योंकि जब ये अपने बाप का घर छोड़कर तुम्हारे घर जा सकती है तो इसे साफ जाहिर है कि अपने बाप से ज्यादा तुमको चाहती है। इसलिए तुम दोनों की शादी कर देनी बेहतर है, क्योंकि अगर तुम दोनों ने कहीं छुप के शादी कर ली तो मेरी इज्जत का तो जनाजा निकल जाएगा। आप तो जनाजा ही निकलेगा। मतलब अब आप हमारी शादी के लिए राजी हैं? मतलब अब आप हमारी शादी के लिए राजी हैं? बोलिए ना डैडी। मैं राजी तो हूँ, मगर एक समस्या बीच में टांगड़ आ रही है। समस्या? कैसी समस्या डैडी? ये ज्वाला सिंह खामखा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, जान से मारना चाहता है मुझे। मैंने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। अब एक तरीका है, या तो तुम लोग शादी करके मेरे पास रहो या मुझे अपने साथ रख लो। हाँ,
विजया, विजया, क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है? हाथ दुख रहा है? कमर, ओहो, पाँव भी दुख रहा है? अल्लाह, और यहाँ? विजया, सो फिर। Thank you.
क्या है माँ? तुम्हें याद है मैं हमेशा तुमसे एक बाबा का जिक्र किया करती थी। हाँ माँ, ये वही बाबा है। जीते रहो बेटे, जीते रहो। छोटी सी उम्र थी मेरी जब मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मुझे अनाथ को इन बाबा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। लगता है माँ आज बड़ा शुभ दिन है। उधर विजया के पिता तुमसे मिलने आए हैं और इधर बाबा मिल गए। विजया के पिता आए हैं? हाँ माँ, आओ आइए बाबा। चलो तुम धर्म अधिकारी हो ना? इत्तेफाक से पहले मैंने आपको कभी देखा है? नहीं। या इत्तेफाक से पहले कभी आपने मुझको देखा है? हो सकता है। इस पृथ्वी को ईश्वर ने गोल बनाया है। लोग बिछड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जिंदगी का कारवां यूं ही चलता रहता है। पंडित जी, मुहूर्त निकालने के लिए यह घड़ी अशुभ है। आप लोग थोड़ा समय इंतजार कीजिए, मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालकर बताऊंगा। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, जब घड़ी अशुभ है तो फिर मुहूर्त निकालने की क्या जरूरत है? बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलिए, आपने अपनी काली जबान से कहा था ना कि देर हो रही है, हो गई देर। चलिए उठिए, उठिए। ये तीन के चार करके आप चलेंगे? लुका पटा टूटा। उठ, कहाँ? कौन है आप? कौन है? कहाँ? चाचा, ओ चाचा, मैं भूल गया था, चाचा। बाबा, आपने सीता से कह दिया ना कि वो सूरज को अभी मेरे बारे में कुछ ना बताए? कह दिया ना बाबा? बोलिए ना बाबा, आपने कह दिया ना? हाँ कह दिया। बेटा, मैं तुझे सदा शांत रहने की शिक्षा देता रहा। हृदय में सुलगती आग को हमेशा खामोशी से बर्दाश्त करने की सलाह देता रहा। लेकिन मेरी शिक्षा, मेरी सलाह ने तेरा कभी भला नहीं किया, बल्कि उल्टा नुकसान होता जा रहा है बाबा। हाँ बेटा, सच क्या है यह सिर्फ मैं जानता हूं, तुम जानते हो। लेकिन अगर तुम अपनी जबान से सरकार या जनता के सामने सच्चाई का बयान करोगे तो कोई नहीं मानेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर यह सच मैं लोगों से कहूं तो हो सकता है कि सरकार विश्वास न करे, लेकिन जनता मेरी बात का विश्वास जरूर करेगी। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन सुख और चैन से अपनी पत्नी और बेटे के साथ गुजार सको। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं जनता के सामने यह घोषणा करूंगा कि तुम निर्दोष हो। मुजरिम मुजरिम वो तीनों हैं। मैं कल ही एक बड़ी सभा बुलाता हूं जहां मैं ये ऐलान करूंगा। कैसे हो गया? किसने मारा इस महात्मा को? किस शैतान ने इस फरिश्ते का कत्ल किया? तुम लोग खामोश क्यों हो? किसी ने उस कातिल को देखा नहीं क्या? हम लोग टहलते हुए उस तरफ जा रहे थे
किसी की आवाज सुनी जैसे कोई किसी का गला दबा रहा है और हम भागे किनारे और देखा। क्या देखा? एक आदमी अधेड़ उम्र वाला बड़ी हुई दाढ़ी काली कमीज सलवार पहने हुए इनका बुरी तरह से गला घोंटकर मार रहा था। अधेड़ उम्र, बड़ी हुई दाढ़ी, काली सलवार कमीज, ये तो ज्वाला सिंह है। ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह, मैं कहता हूं रुक जाओ। ये तो सही, भगवान के लिए क्या हुआ? खून कर दूंगा, जान से मार डालूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। किसको? धर्माधिकारी सत्यदेव न्याय शर्मा को। क्यों? उन तीनों ने सीता उन तीनों ने बाबा का खून कर दिया। बाबा का खून? हाँ, बाबा का खून। मैं उन तीनों कमीनों को कुत्ते की मौत मारने ही वाला था कि सूरज वहां पहुंच गया। उसकी खातिर मुझे वहां से भागना पड़ा। क्या सूरज भी वही है? हाँ, उसी की वजह से धर्माधिकारी मेरे हाथों से बच निकला, नहीं तो आज उन तीनों को जिंदा जमीन में गाड़ देता। इस धरती से जब तक उन तीनों पापियों का नामो निशान नहीं मिटा देता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। जी पागी, हो सकता है सूरज आ गया हो। चलिए अंदर चलकर छुप जाइए। सीता, भगवान के लिए, वो आपको देखते ही गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन सीता, मैं नहीं, नहीं, भगवान के लिए चलिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। माँ, क्या बात है बेटा? यहाँ कोई आया था? यहाँ? यहाँ तो कोई नहीं आया, लेकिन ज्वाला सिंह भागकर इसी तरफ आया है। ज्वाला सिंह? वो भला यहाँ क्यों आएगा बेटा? लेकिन मैंने उसे घर की चार दीवारी के अंदर छलांग लगाते हुए देखा है। माँ, तुम झूठ बोलकर सच्चाई पे पर्दा तो डाल सकती हो, मगर उसे मिटा नहीं सकती। ये क्या है? रुक जाओ ज्वाला सिंह, छोड़ो। माँ, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो माँ? तुम पागल हो गई हो? वो हत्यारा है, बाबा का खूनी है। माँ, वो खूनी नहीं है, वो खूनी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो हत्यारा नहीं है बेटे, कुछ नहीं किया उन्होंने। वो खूनी नहीं है सूरज। तो फिर कौन है वो? वो कौन है? बोलो माँ, वो कौन है? आज तक मैंने इस घर को अपना मंदिर और तुम्हें अपना भगवान माना, और आज मेरा भगवान ही मुझसे झूठ बोल रहा है। इस मंदिर में ही छल कपट का खेल खेला जा रहा है। नहीं बेटा, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? कौन है माँ? वो कौन है, बोलो ना। वो तेरे पिता है बेटे, पिता है। मेरे पिता।
ज्वाला से तेरा पिता। तो फिर तुमने यह बात मुझे आज तक क्यों नहीं बताई मां? मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला। बाबा ने मुझे खुद बताया कि वो निर्दोष है। उनका पीछा छोड़ दो बेटे, उनका पीछा छोड़ दो, उनका पीछा छोड़ दो सूरज। उस दिन जब मैंने कहा कि मैं तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं उसे गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा देता, तो तुम खामोश रहे। उस वक्त वो कोई नहीं था और आज वो तुम्हारा पति हो गया है, मेरा पिता हो गया है। वो निर्दोष है, उसने किसी का खून नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हारा सुहाग है, तुम्हारी मांग का सिंदूर है। उसने इतनी हत्याएं की हैं, इतने खून किए हैं, इतने डाके डाले हैं, मैं उन सबको भूल जाऊं, उसे छोड़ दूं, ताकि तुम्हारे सुहाग की रक्षा हो सके। मैं तुम्हारे स्वार्थ के लिए अपने देश के साथ, अपने फर्ज के साथ गद्दारी करूं। बेटा, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता, मगर तुम तो जानती थी, फिर भी तुमने मुझसे, अपने बेटे से इस राज को छुपाए रखा। मैं मजबूर थी बेटे, बाबा का खून तेरे पिता ने नहीं, बाबा का खून सत्यदेव, धर्माधिकारी और न्याय शर्मा ने किया है। शराबी शराब पीते पकड़ा जाए तब भी वो यही कहेगा कि उसने शराब नहीं पी, चोर चोरी करते पकड़ा जाए तब भी वो यही कहेगा कि उसने चोरी नहीं की, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मुजरिमों की ये फितरत है कि वो हमेशा अपना इल्जाम दूसरों के माथे थोप देते हैं। मुजरिम चाहे भगवान हो या पिता हो, मेरा फर्ज है कि उसे गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दूं, और जो भी मेरे फर्ज के आड़े आएगा वो और भी बड़ा मुजरिम है, वो भी उतनी सजा का हकदार है जितना कि असली मुजरिम। तुमने मेरे फर्ज के रास्ते में आकर कानून की नजर में बहुत बड़ा गुनाह किया है मां। बोलो, अब मैं क्या करूं? जवाब दो मां, मैं अपना फर्ज निभाऊं तो कैसे निभाऊं मां? स्टेबल, अबे ओ चोर, निकल बाहर। क्या? अबे पैसे निकल। अबे मेरे हैं, ये मेरे हैं। अबे क्या दे रहे हैं? एक तो साला सूरज हमारे लिए खतरा बन चुका है। हमने सोचा था तुम्हारा दामाद बनकर हमारे वो किसी काम आएगा, लेकिन वो तो साला वर्दी का पुजारी निकला। मैं कहता हूँ, जो अपने माँ बाप को गिरफ्तार कर सकता है वो आपको क्या बख्शेगा, हमें क्या छोड़ेगा? अरे अगर हम पकड़ेंगे ना तो सीधा फांसी के तख्ते पर लटक जाएंगे, क्योंकि ये जेवरात हमको राजा रघुराज का कातिल साबित करने के लिए काफी हैं। इसलिए काम करो, अपने जेवरात और मूर्तियां फौरन भेज डालो। ए, तुम लोगों के पास जो जेवरात है वो लेकर आओ। नहीं नहीं, मैं पुलिस पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों पर भरोसा नहीं कर सकता। हां, मैं तो अपने जेवरात अपने पास ही रखूंगा। हां, अब बे ओ गधे की औलाद, तेरे घर में रखे हुए जेवरात अगर पुलिस के हाथ में लग गए तो अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा। सुन, मैं भी अपने जेवरात यही रख रहा हूं। Beautiful pieces of art. बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये तुम सब किधर से लाता है? बस ये मत पूछिए, ये समझ लीजिए कि अपने जान पर खेल के लाते हैं। आप सिर्फ ऑर्डर देते जाइए और हम सप्लाई करते जाएंगे। और इनके बदले में आप हमें गोल्ड यानी कि सोना देते जाएं। Oh yes, नमूना देखकर तुम्हारा पसीना छूट जाएगा। पसीना? Girls! सारे शहर की
Drunkards of whole city Bombay, oh sister-in-law are running after me. Drunkards of whole city Bombay, oh sister-in-law are running after me. हेलो, मैं ज्वाला सिंह बोल रहा हूँ। ज्वाला सिंह? अच्छा, मेरा सामना करने की तुम में हिम्मत नहीं है, इसलिए कायर की तरह तुम टेलीफोन का सहारा ले रहे हो। नहीं, मैं कायर नहीं। ज्वाला तुमसे मिलने आएगा और बाकायदा वक्त देकर आएगा। मैं आज रात को ठीक 9 बजे आ रहा हूँ और अपनी बीवी को तुम्हारी हिरासत से छुड़ा कर ले जाऊंगा। तुम में हिम्मत हो तो मुझे रोक लेना। मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूं और ठीक 9 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, आज रात 9 बजे। वंदे मातरम। सब इंस्पेक्टर आनड़े। यस सर। ज्वाला सिंह ने अभी फोन पर हमें चैलेंज दिया है कि वो 9 बजे आएगा और अपनी बीवी को यहां से ले जाएगा और हमें उसके चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ओके सर। ओके। सर सर, यहां तो कुछ भी नहीं सर, सिर्फ ब्लास्टिंग है। ओ गॉड। सूरज, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुमने अपनी मां को गिरफ्तार करके अपना फर्ज निभाया और एक पति होने के नाते अपनी बीवी को जेल से छुड़ाकर मैंने अपना फर्ज निभाया। अगर दोबारा पुलिस ऑफिसर की हैसियत से तुमने अपनी माँ को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो समझ लो कि हमेशा के लिए अपनी माँ को गंवा बैठोगे। और अगर एक बेटे की तरह तुम अपनी माँ को ले जाना चाहते हो तो शौक से आओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ज्वाला सिंह। आगे मत बढ़ो, तुम्हारी हद वहीं तक है। हद तोड़ने वाले दूसरों को हद नहीं बताया करते। तुम भी तो कानून की हद तोड़कर एक मुजरिम को जेल से निकाल लाए हो। वो मेरी पत्नी है। वो मेरी माँ है।
अच्छा माँ है और माँ को हथकड़ी लगाकर जेल में कैद कर दिया। हाँ, जो हाथ एक मुजरिम की मदद करते हैं वो हाथ कानून की नजरों में गुनहगार हो जाते हैं। ओ, तो इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ एक मुजरिम की तलाश में आए हैं। मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आया हूँ। अगर वाकई तुम अपनी माँ से मिलने आए होते तो ये वर्दी पहनकर कभी ना आते। मैं सुबह शाम अपनी माँ से वर्दी पहनकर ही मिलता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटे की हैसियत से आए हो। यही समझ लीजिए। तो फिर हथियार की क्या जरूरत है, उस रिवॉल्वर को नीचे रख दो। आंखें बड़ी तेज हैं तुम्हारी। सूरज यहाँ आओ बेटे, एक बार अपने पिता की जबानी सुन लो कि सच्चाई क्या है। सिर्फ एक बार सुन लो बेटे। एक मिनट, एक मिनट। सूरज तुम मुझे मिलने के बहाने चालाकी से इन्हें गिरफ्तार करने आए हो। हाँ, जिस तरह तुम इन्हें बचाना चाहती हो और ये अपनी चालाकी से तुम्हें जेल से बचाकर लाए हैं, उसी तरह मैं भी अपनी चालाकी से अपनी इज्जत और अपनी वर्दी को बचाना चाहता हूं। अब तुम यहां से बचकर जा नहीं सकते। बेटे मैं बड़ी आसानी से बचकर जा सकता हूं और ऐसे कि तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल जब लोग मेरे बेटे का नाम लें तो बड़ी इज्जत से लें। दुनिया कहे कि ये कानून का वो मुहाफिज है जिसने अपना फर्ज निभाने के लिए मां बाप तक को नहीं बख्शा। अच्छा, अगर वाकई तुम्हारे दिल में अपने बेटे की इज्जत का इतना ख्याल है तो फिर ये जज्बा उस वक्त कहां गया था जब तुम जुर्म कर रहे थे, डाके डाल रहे थे, खून कर रहे थे। तुम लोग फर्ज को निभाने के लिए कुर्बानियां तो बड़ी देते हो, लेकिन सच्चाई को तलाश करने के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं देते। सच और झूठ का फैसला करना हमारा नहीं, अदालत का काम है। किस काम की है तुम्हारी ये अदालतें जो सिर्फ गवाह और सबूतों के बल पर अपने फैसले करती हैं? मगर वो गवाह वो सबूत सच्चे हैं, झूठे हैं या खरीदे हुए हैं, ये समझने की कभी कोशिश नहीं करती। लेकिन ये भी दुनिया जानती है कि झूठ लाख कोशिश करे सच को कभी छुपा नहीं सकता। नहीं बेटे नहीं, कुछ सच ऐसे भी होते हैं जो झूठ की आड़ में छुप जाया करते हैं। उनका ना कोई सबूत होता है ना कोई गवाह होता है। जिस तरह मैं जानता हूं मैंने वो जुर्म नहीं किया जिनका इल्जाम मुझ पर लगाया गया है, लेकिन मेरे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है, इसलिए मैं मुजरिम हूं। और वो तीनों जानते हैं कि वो मुजरिम हैं, मगर कानून की नजरों में वो बेगुनाह है। क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत से सबूत खरीद लिए हैं, ताकत के बल पर गवाह ले आए हैं और कानून उन्हें बेगुनाह समझकर आज तक बचाता चला आ रहा है। अगर वाकई तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो उसे साबित करने की कोशिश करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारा मतलब है मैं अपने आप को गिरफ्तार करवा दूं? यकीनन, यह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बेटा मैं मौत से नहीं डरता। अरे सर पर कफन बांधकर अंग्रेजों की गोलियों का मुकाबला करने वाला, जिंदगी भर मर मर कर जीने वाला एक बार की मौत से क्या डरेगा? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आंखें बंद होने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार दुनिया ये कह दे कि तेरा बाप बेगुनाह था, सीता का पति वतन परस्त था, वतन फरोश नहीं था। बस यही मेरी जिंदगी की आखिरी तमन्ना है। तेरे बाप को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं चाहिए। बेटा बेटा इनका विश्वास करो, इनका विश्वास करो बेटा, ये सच कह रहे हैं, बाबा भी यही कहते थे। अगर तुम्हारे पास सच को परखने की आंखें हैं तो इनको देखो, क्या ये कभी मुजरिम हो सकते हैं? क्या ये किसी का खून कर सकते हैं? नहीं नहीं बेटा,
माँ, पिताजी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। मैं अपने पिता को बचपन में ही बुला बैठा था और तुमने भी कभी उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन आज इनकी बातें सुनकर मेरा दिल कह रहा है कि मैं एक बेगुनाह बाप का बेटा हूं, एक सच्चे इंसान की औलाद हूं। मेरा जमीर गवाही दे रहा है कि मुझे ऐसे इंसान की औलाद कहलाने में फक्र है, नाज है। इनकी बेगुनाही मैं साबित करूंगा मां। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अदालत में यह साबित न कर दूं कि ये बेकसूर हैं। लेकिन आज मैं फर्ज के हाथों मजबूर हूं। आज मुझे इन्हें गिरफ्तार करके अपनी वर्दी का फर्ज निभाना ही होगा। उसके बाद बेटे का फर्ज निभाकर मैं इन्हें बेगुनाह साबित कर दूंगा। मैं वचन देता हूं मां, मेरा विश्वास करो। आज ज्वाला की जिंदगी की डगमगाती नैया को बेटे के वादों का सहारा मिल गया। आज मुझे विश्वास हो गया कि मैं अकेला नहीं हूं, इस दुनिया में मेरा भी कोई है। लो बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने है और अपने आप को तुम्हारे हवाले करता है। उसको न फांसी पे चढ़ाने की जरूरत है, न उसके बेटे को गिरफ्तार करवाने की जरूरत है। बाप बेटे का क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं इन दोनों को ठिकाने पे लगा के रहूंगा। तुम्हारे पिता की असलियत का पता मुझे बहुत पहले ही चल चुका था। तुम्हारे पिता और उनके साथियों ने अपने गुनाहों की आग में मेरे पिता की जिंदगी जला डाली, उनको बर्बाद करके रख दिया। और अब वो और उनके साथी मिलकर तुम्हें जान से मारने का प्लान बना रहे हैं। कौन किसे मारता है अब ये फैसला मैं ऊपर वाले पर छोड़ता हूं। मगर ये सब कुछ जान लेने के बाद क्या तुम मेरा साथ निभा पाओगी? तुम्हारा साथ तो मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाऊंगी। पिताजी, आपने पेट में मछलियां पाल रखी हैं क्या? बोतल के ऊपर बोतल, बोतल के ऊपर बोतल पीते जाते, बोर नहीं होते? अबे किसी को कहना मत, मैं 24 घंटे ज्वाला सिंह के ख्याल से डरता रहता हूँ, उसके डर को मिटाने के लिए शराब पीता रहता हूँ और फिर और डर और बढ़ जाता है, फिर पीता हूँ, पीता रहता हूँ, पीता रहता। कौन? मैं हूँ। अबे तू तो यहाँ है, वहाँ कौन है? आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया, राजा जी का खून तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। एक मिनट। अरे, तेरह अगस्त 1947 को जेल में रघुराज सिंह का गला घोटकर खून कर दिया, इल्जाम ज्वाला सिंह के सिर मर दिया। तुम्हें कैसे मालूम? नशे की झोंक में शनिवार 8 अगस्त को रात को 8 बजे पिताजी बड़बड़ कर रहे थे अंकल और बॉस के सामने, उन्होंने इनको झाड़ दिया, मैंने नोट कर लिया, ये देख लीजिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। मैंने तो राजा जी के पांव दबाए थे, धर्माधिकारी ने गला दबाया था और सत्यादेव ने उनका मुंह दबाया था, मैंने तो सिर्फ पांव दबाए थे। और वो खजाना? मुझे नहीं पता। गोली मुंह में। अरे बुढ़ाओ जल्दी बता दे, नहीं तो गोली मुंह में से होती ही खोपड़ी में से बाहर निकल आएगी। बता रहे निकालो मुझे। चलो चलिए। अरे किसकी आंख है? आइए। यही वो तिजोरी है जिसमें सोना है। दरवाजा खोलो। ऐसे नहीं खुलता ये। यहाँ कोई बटन है। यहाँ अच्छा बटन। यहाँ बटन। बटन। ये तो कचरा है। ओ सोने की। अब चुप रहने की औलाद। नीचे बॉक्स में। अरे इतने नोट, ये सब सचमुच के हैं? हाँ चुप, बिल्कुल सचमुच के हैं। आप इधर आइए, इधर इधर इधर। अरे
चाचा जी, चाचा जी, लंगड़े शराबी पट्टे, हमें मालूम था तू बुजदिल है और अपनी जान बचाने के लिए तू हमें फंसाएगा, इसलिए हम खुद ही बंदोबस्त करते हैं। तुम क्या बंदोबस्त करोगे, मैं बंदोबस्त करता हूँ। चलो चलो आगे, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। चलो हराम जादो, जा जा उल्लू का मच्छर, जा चलो चलो आगे। सीता बहन, मैं सचमुच आज तक अंधेरे में थी। मुझे ही क्या, पूरे देशवासियों को यही विश्वास दिलाया गया कि राजा साहब की हत्या तुम्हारे पति ने की, लेकिन तुम्हारे मुंह से सारी कहानी सुनकर मेरा दिल कहता है तुम्हारे पति निर्दोष हैं। उन्हें बदनाम करने में जरूर किन्हीं लोगों का हाथ है। कौन हो सकते हैं वो लोग? और कौन हो सकता है, मेरा पिता धर्माधिकारी, मेरे चाचा और... सत्यदेव और मेरे पूज्य पिता श्री अन्याय शर्मा। ये तुम क्या कह रहे हो, वो लोग तो वो और... लोग क्या हैं? ये सब मेरी डायरी में लिखा है। रानी साहिबा, ये जेवर देखिए, इनमें से आप किसी जेवर को पहचानती हैं? हाँ हाँ, ये तो हमारे खानदानी जेवरा था। ये गहने मेरे पिताजी की तिजोरी से निकले हैं। राजा विजय रघुराज की हत्या ज्वाला सिंह ने नहीं, इन तीनों महानुभाव ने की है। ये देखिए। विजय कौन है बे? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी को किसी ने मार डाला है। तुम्हारे बेटे का भी कहीं पता नहीं चल रहा, इसलिए डिपार्टमेंट ने पुलिस की हिफाजत में तुम्हें अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया के लिए जाने की इजाजत दी है।
तुम्हारी जान छोड़ दूं? छोड़ दूंगा। चलो भतीजी। अंकल, आपने टाइम बम तो नहीं लगाया ना? अरे धत तेरे की, वो तो मैं भूल ही गया था। शाबाश भतीजे। मैंने दिया। ए, हमारे जाने के बाद यार टाइम बम लगा के इस अड्डे के साथ साथ सबको उड़ा देना। Thank you.
सूरज, सूरज गया तो गम नहीं,